वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर वन सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन और इसमें आप बैलेंस कैसे करना रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखना और कोशिश करना कि जब भी आप बैलेंस करो रिएक्शन उसमें कोई गलती ना Write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. तो हमको यहाँ पर दो चीज़ें करनी हैं एक तो हमको balanced chemical equation लिखनी है दूसरा हमको type of reaction बताना है तो चलिए करते हैं reaction. Reaction है आपकी potassium bromide. First जो substance है हमारा वो है हमारा potassium bromide. The formula जो हुआ इसका वो हुआ KBr. दोनों के वन वन बैलेंस ही है फार्मूला सिंगल सिंपल हो गया के बी आर बेरियम आयोडाइड यहाँ पर बेरियम की टू बैलेंस होती है ब्रोमीन की सॉरी आयोडीन की वन होती है आयोडाइड है आयोडीन लिखना है हमको यहाँ पर और आयोडीन की वन होती है बेरियम की टू फार्मूला हो गया आपका बी ए आई टू ठीक है फिर आपका पोटेशियम आयोडाइड अगेन दोनों की सिंगल बैलेंस है फार्मूला के आई बेरियम ब्रोमाइड अगेन बी ए बी आर टू ये इसका आपका फार्मूला हो गया अब हम इसको बैलेंस करेंगे बैलेंस करने के लिए फिर से हमको सेम प्रोसीजर करना है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर एलिमेंट लिखा हमने पहले यहाँ पर फिर हमने लिखा एल एच एस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो कि रिएक्टेंट्स हमारे एंड देन आर एच एस दैट इज़ प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड ठीक है मेरा जो आपके सब एलिमेंट्स हैं वो क्या है पोटेशियम है के देन ब्रोमीन है बी आर देन बेरियम है बी ए एंड देन आयोडीन है आई नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं अब पोटेशियम हमारा एल एच एस साइड वन है देखो ये वन हुआ सिंगल हमारा यहाँ भी ये वन है आर एच एस साइट ब्रोमीन मेरा एल एच एस साइड वन है ब्रोमीन मेरा आर एच एस साइट टू है बेरियम वन ऑन एल एच एस साइड वन ऑन आर एच एस साइड आई टू ऑन एल एच एस साइड वन ऑन आर एच एस साइड तो हमारा जो ब्रोमीन है वो टू है यहाँ पर आर एच एस साइड तो मैं इसको यहाँ पर टू करने के लिए के ए बी आर के पहले टू लिखा हमने ठीक है टू मोलिक्यूल्स हो गया अदर देन वन तो हमारा ब्रोमीन देखो ये अब टू हो गया आपका ठीक है ना ब्रोमीन टू हुआ लेकिन साथ में हमारा पोटेशियम भी टू हो गया तो हमने यहाँ पर टू लिख दिया गुड अब जब यहाँ पर टू हो गया हमारा तो हमें यहाँ भी इसको टू करना है इसको टू करने के लिए हमको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है टू से तो मेरा पोटेशियम देखो यहाँ पर भी ये टू हो गया राइट हैंड साइड और पोटेशियम टू हुआ तो आई भी राइट हैंड साइड टू हो गया जो कि अभी बंद था पहले ये भी टू हो गया तो क्या देख पा रही हूँ मैं कि रिएक्शन तो बैलेंस हो गई पोटेशियम देखो टू एंड टू ब्रोमीन टू एंड टू बेरियम वन एंड वन एंड आयोडीन टू एंड टू रिएक्शन में देख लेते हैं टू के टू के एंड देन टू बी आर हो गया आपका ये एंड टू बी आर इधर हो गया राइट हैंड साइड बेरियम वन हो गया बेरियम वन हो गया आइडिन टू हो गया आइडिन टू हो गया तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है एंड रिएक्शन हमारी देख लेते हैं टू के 2KI आर बी ए आई टू टू के आई एंड बी ए बी आर टू तो ये रिएक्शन हो गई जो टाइप है रिएक्शन की देखो यहाँ पर क्या है आयन एक्सचेंज है ये हमारा प्लस था ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो ये हमारे इस माइनस से जुड़ गया और ये हमारे इस माइनस से जुड़ गया यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है यहाँ पर और हमें पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दो एक्व सॉल्यूशन होते हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पर और उनके जो आयनस होते हैं उनमें एक्सचेंज होता है एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कंबाइन करता है और दूसरे का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव से कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जिंक कार्बोनेट गिव्स जेड एन ओ इट ब्रेक्स डाउन इंटू जेड एन ओ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स जिंक कार्बोनेट अकेला है यहां पर सब्सटेंस और ये दो सब्सटेंस में डिकम्पोज हो रहा है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए टाइप ऑफ द रिएक्शन जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम सिंपली अगेन सेम मेथड करेंगे एलिमेंट देन एल एच एस साइड एंड देन आर एच एस साइड हमने लिख लिया एलिमेंट हमारा जिंक है कार्बन एंड ऑक्सीजन है जिंक देखो इधर सिंगल है इधर भी सिंगल है कार्बन सिंगल है कार्बन सिंगल है ओ थ्री है एंड ओ टू एंड वन थ्री तो हमारा ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो ये रिएक्शन हम देख सकते हैं लिखी हुई जेड एन सीओ थ्री गिवस जेड एन ओ प्लस टू सेम रिएक्शन है एंड इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ठीक है हम जिंक कार्बोनेट को यदि हीट करेंगे तो हमारी रिएक्शन बन जाएगी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन देखो ये हाइड्रोजन हो गया आपका ये क्लोरीन हो गया गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड बैलेंस करते हैं रिएक्शन को पहले हम रिएक्शन लिखते हैं हाइड्रोजन दैट इज H2, chlorine that दैट इज forms फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला इज एच सी एल बहुत अच्छे से आप फैमिलियर हैं इन सारे फार्मूलाज से अब सिंपल सी हैं हम दो ऑल दो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू ऑल्सो बट इवन ऑलवेज डू इन सच अ वे सो दिस इज़ हाइड्रोजन और ये क्लोराइन क्लोरिन हो गया हाइड्रोजन टू एटम्स हैं एल साइड वन है आपका इधर क्लोरीन टू है एल एच साइड वन है दिस साइड तो आपने सिंपली यहाँ पर टू लिख दिया और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई H2 टू प्लस सी एल टू एच सी एल और देखो यहां पर ये दो सब्सटेंसेस मिलकर सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं ठीक है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स एस तो ये क्या बना आपका कौन सी रिएक्शन की टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है नाउ द डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस तो इसके फार्मूला लिख लेते हैं पहले हम मैग्नीशियम हो गया दैट इज़ एम जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता है एच सी एल होता है फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम की टू बैलेंसी होती है क्लोरीन की वन होती है फॉर्मूला हो गया आपका एम जी सी एल टू हाइड्रोजन गैस एच टू अब इसको हम बैलेंस करेंगे फिर से वही प्रोसीजर लिखना है हमको एलिमेंट लिखा हमने एल एच एस एंड देन आर एच एस ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तीन एलिमेंट हैं हमारे मैग्नीशियम एल एच एस साइड हम देखते हैं इट इज सिंगल ओनली आर एच एस साइड भी ये सिंगल है ठीक हो गया हाइड्रोजन सिंगल बट इधर ये टू है ठीक है सिंगल एल एच एस साइड है आर एच एस साइड टू है क्लोरीन वन है एल एच एस साइट एंड आर एच एस साइट टू है तो बहुत सिंपल है यदि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को टू करना है तो मुझे यहाँ टू लिखना होगा ठीक है ना और यहाँ टू लिखा तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ही मेरे टू हो गए रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई देखो वन वन एंड ये टू हाइड्रोजन टू एंड टू एंड टू क्लोरीन यहाँ भी हम देख लेते हैं रिएक्शन मैग्नीशियम सिंगल सिंगल हाइड्रोजन टू एंड टू क्लोरीन टू एंड टू बहुत सिंपल रिएक्शन है ये रिएक्शन होगी एम जी प्लस टू एच सी एल एम जी सी एल टू प्लस एच टू और टाइप ऑफ द रिएक्शन में ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से देख लेना वीडियो को और जो है आप जुड़े रहिए अचीवर्स एकेडमी से देखते रहिए वीडियोस आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ मिलेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग